छत्तीसगढ़ में जयगंज के रहने वाली आशीष अग्रवाल की उम्र 10 साल है और 7वीं क्लास का छात्र है। आशीष ने कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस कर कंप्यूटर में महारत हासिल की, जिससे लोगों ने उसे कंप्यूटर बॉय नाम दिया। 10 साल की उम्र में आशीष अग्रवाल ने कंप्यूटर लैंग्वेज पर कई किताबें लिखी हैं। वह कोडिंग के मास्टर हैं। आशीष अग्रवाल कंप्यूटर की डिजिटल किताबें जैसे कि पाइथन पर 2 किताब, माइक्रोसॉफ्ट पर 1 किताब और इसके साथ ही वह जीमेल पर 1 किताब लिख चुके हैं। इसके अलावा आशीष ने कुछ और किताबें लिखी हैं। आशीष ने अपने विद्यालय के साथ कुछ अन्य विद्यालयों की वेबसाइट डिजाइन की है। उनके पिता पेशे से एक अधिवक्ता है और माता हाउसवाइफ है, लेकिन आशीष की इस कंप्यूटर की दिशा में लगन देखते हुए उसके माता पिता अब पूर्ण रूप से आशीष का सहयोग कर रहे हैं। 10 साल के कंप्यूटर बॉय आशीष बताते हैं कि वह 7वीं के छात्र है। उन्होंने बताया कि मुझे कंप्यूटर में कोडिंग की जानकारी है, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाना, ऐप डेवलपमेंट बनाना। अभी तो मैंने 1-2 ऐप बनाए हैं। मैंने 6 किताबें लिखी हैं, 2 किताबें पाइथन और 2 किताबें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में लिखी है, 1 किताब जीमेल के बारे में लिखी है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सक्सेसर है, एक आसान सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप अपने डेली टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। आशीष ने बताया कि कंप्यूटर या लैपटॉप बाइनरी भाषा समझता है जिसमें सिर्फ 0-1 लेटर होते हैं। अभी तक तो मैंने 3-4 वेबसाइट डिज़ाइन की है। पहले मैंने कंपनी से फ्री कोडिंग क्लासेस ली, उसमें मैंने थोड़ा बहुत बेसिक सीखा। जिसको इंग्लिश आती है वह देखकर समझ लेंगे, कंप्यूटर में सब इंग्लिश में लिखा होता है, ऐसे ही साइन मैंने सब समझ लिया। अब मैं खुद से ही कोडिंग करता हूँ। आपको सारा जवाब गूगल पर मिल जाता है सर्च करने के बाद भी। मैं आगे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ISS बनना चाहता हूँ। हमने आशीष अग्रवाल द्वारा लिखी गई किताब को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर फैसल अनवर से बात की। डॉक्टर फैसल अनवर ने बताया कि यह जैसा आपने देखा इसके ऑथर आशीष अग्रवाल है। मैंने नेट पर भी सर्च किया तो गूगल प्ले स्टोर में मैंने ये बुक देखी, अमेजोन पर भी ये बुक है। यह आशीष अग्रवाल के नाम से किताब है। ये किताबें पाइथन पर है। पाइथन एक आजकल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस। पाइथन को मैंने देखा और एक HTML का भी देखा जो वेबसाइट प्रिंटिंग डेवलपमेंट में काम आती है। आज के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही इम्पॉर्टेंट है। किताबें बहुत अच्छी है, कंटेंट मैंने लिखा है, टाइटल के हिसाब से ये मुझे यूजफुल किताब लगती है। डॉक्टर फैजल अनवर ने बताया कि टाइटल से हम यह कह सकते हैं कि पाइथन की जो बुक बताई है वह आजकल का जो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, यह सारी चीज़ उसके लिए प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। यह एक आसान लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, आजकल के बच्चे बहुत सीख रहे हैं। इन किताबों का बहुत रोल है। पाइथन आजकल हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, डाटा साइंस में मशीन लर्निंग है। 10 साल के बच्चे इस तरह की किताब नहीं लिख सकता, अगर उसने लिखी है तो यह बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। मुझे कंप्यूटर में कोडिंग की जानकारी है, कोडिंग करना, वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनाना और ऐप डेवलपमेंट ऐप बनाना। कौन कौन सी ऐप अभी तक बनाई है और कौन कौन सी कोडिंग की है? वैसे अभी तो मेरे सिंपल ही 1-2 ऐप बनाए हैं, लेकिन अभी वो कंप्यूटर की HDD खराब हो गई थी, इसलिए वो एंड्रॉइड स्टूडियो अनइंस्टॉल हो गया, फिर से इंस्टॉल करूँ। डिजिटल बुक कौन कौन से उसमें लिखी है तुमने? मेरे 5 किताबें लिखी है, 2 किताबें मेरे पाइथन के बारे में लिखी है और 2 किताबें मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी बारे में लिखी है और 1 किताब अभी रिकेंट्री ही लिखी है एक जीमेल के बारे में। पाइथन में क्या लिखा है, पाइथन क्या होता है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सक्सेसर है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक आसान सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप अपने डेली टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? वो कंप्यूटर या लैपटॉप बाइनरी भाषा समझता है जिसमें सिर्फ 0 और 1 लेटर्स होते हैं। आप जो है वेबसाइट भी डिजाइन कर लेते हैं? यस। कितनी वेबसाइट अभी तक आपने डिजाइन की और कौन? अभी तक तो मेरे 3-4 मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस की है। एक मेरी मम्मी का बिजनेस है और एक मेरी दीदी के स्कूल का बिजनेस, मेरी दीदी के स्कूल की वेबसाइट है
और ऐसे ही मेरे एक अपनी भी वेबसाइट बनाई है। एक वेबसाइट का नाम बताइए। एक है ggiclegal.in और दूसरा है lexsingofficial.github.io और मेरी है ecorus.me। कुछ ऐप भी आपने बनाए? मेरे ऐप तो बनाए थे लेकिन वो पब्लिश अभी नहीं किए क्योंकि ऐप के पब्लिश के लिए वो फीस मांगता है और अभी मेरा ऐप कम्प्लीटली रेडी नहीं है। कितने बना चुकी हो अभी जिन कम्प्लीट हो? अभी तक तो मेरे दो एप्स, एक ऐप इनकम्प्लीट है। इसमें मेरे ये एक आइडिया रखा है कि वाटर ऐप कैसे बनाए, वाटर ऐप बनाए। अच्छा आशी बताइए, कहाँ से आपको ये दिमाग में आया कि आपको कंप्यूटर की फील्ड में काम करना है? सबसे पहले तो मेरे कंपनीज की फ्री कोडिंग क्लास बुक की और उसमें उनने थोड़ा सा बेसिक बताया कोडिंग का। फिर अगर इंग्लिश जैसे जिन जिन को इंग्लिश आती है वो तो बस देख के ही समझ लेंगे, कंप्यूटर में सारा इंग्लिश से ही लिखा होता है और ऐसे ही मेरे समझ लिया। किसी ने सिखाया या आप खुद से करते हो? मैं खुद से ही कर लेता हूँ और वेब पे आपको कोई सा भी अपना आंसर मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या कोई डिस्कशन पे पूछ सकते हो। आगे क्या बनना चाहते हो? मैं आगे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES बनना चाहता हूँ। IES क्या होता है? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जैसे कि आर्मी है उसमें हैकर्स की ज़रूरत होती है उनको, और वैसे ही मैं बनना चाहता हूँ। ये जैसा आपने दिखाया और टाइटल में, तो इनके ऑथर तो हैं आशीष अग्रवाल है। मैंने नेट पे भी सर्च किया तो गूगल प्ले स्टोर में भी मैंने ये बुक देखी है और अमेज़न में भी है ये बुक। तो ये आशीष अग्रवाल के नाम से ये किताबें हैं। कौन कौन सी किताबें? ये किताबें पाइथन पे हैं। पाइथन एक आजकल का बहुत प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, यहाँ तक कि उसमें वेब डेवलपमेंट भी होता है। एक तो पाइथन का मैंने देखा और एक HTML जो कि वेबसाइट फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम आता है। तो ये आजकल के प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं और किताबें बहुत अच्छी हैं। अगर कंटेंट तो मैंने नहीं देखा तो टाइटल के हिसाब से ये मुझे यूजफुल किताब लगी। ये किताबों में क्या है मतलब? ये किताबें तो हमने कंटेंट तो नहीं देखा है, ठीक है। टाइटल से हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे पाइथन की जो मैंने बुक बताई आपको, तो पाइथन जो है आजकल का जो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, ये सारी चीज़ों, इसके लिए एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, एक यूजफुल लैंग्वेज है और एक आसान लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ लैंग्वेज है और आजकल के बच्चे बहुत सीख रहे हैं पाइथन लैंग्वेज। तो टाइटल के हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छी बुक लग रही है। अब कंटेंट, चूँकि मैंने ये किताब परचेज नहीं किया है तो कंटेंट के बारे में मैं नहीं बता सकता। इसी तरह HTML की जो बुक है वो भी बहुत यूजफुल बुक है, जहाँ तक के वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत यूजफुल बुक है। लेकिन हाँ, मैंने फिर कंटेंट नहीं देखा तो इसलिए मैं कंटेंट के बारे में नहीं कह सकता हूँ। तो एज़ फार एज टाइटल इज़ कंसर्न तो यूजफुल बुक्स हैं। क्या लगता है सर, इन किताबों का कोई रोल है कंप्यूटर फील्ड? हाँ हाँ, बेशक रोल है। जैसे मैंने बताया पाइथन का, पाइथन तो आजकल समझिए कि आजकल हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। पाइथन यूज़ हो रहा है डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, उसके बाद पाइथन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रहा है। तो पाइथन तो आजकल हर जगह है, तो बहुत यूजफुल बुक है ये पाइथन के लिए। क्या लगता है, क्या 10 साल का बच्चा इस तरह की किताबें लिख सकता है? देखिए, ये तो अब 10 साल का बच्चा तो इस तरह की किताब नहीं लिख सकता है। अगर उसने ये लिखी है तो बहुत बड़ी बात है। और अब कंटेंट अंदर का क्या है, ये तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं नहीं उसको जज कर पा रहा हूँ। लेकिन 10 साल का बच्चा, जो मुझे टाइटल से लग रहा है, 10 साल के बच्चे के लिए लिखना बहुत बड़ी बात है। क्या